19 के लगभग या उससे दो चार सीटें ज़्यादा भी मिल सकती हैं। योगेंद्र यादव कह रहे 272 भी आ जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल है, आपका अनुमान क्या कह रहा है? देखिए प्रशांत किशोर जाहिर है कि एक अनुभवी सेफोलॉजिस्ट है, लेकिन हम प्रशांत किशोर की बात को थोड़ा अलग भी कर दें तो ये देखना पड़ेगा कि जिन जिन परिस्थितियों में 2014 में भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1984 के बाद एक पार्टी को बहुमत दिया और जिन कारणों से दिया, 2019 में जिन कारणों और आधार पर उसको सशक्त किया, क्या वे कारण खत्म हो गए हैं? क्या उन कसौटियों पर नरेंद्र मोदी नहीं उतरे हैं? ये मूल प्रश्न यही होता है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में भारत केवल सेफोलॉजी की अंक गणितीय गणना, जातीय समीकरण और सामाजिक ध्रुवीकरण का देश नहीं रह गया है। आप देखेंगे कि 10 वर्षों में भारत का एक जनमानस का एक बहुत बड़े वर्ग ने देश को लेकर के अपने अंदर एक वैचारिक अवधारणा विकसित किया है। उसको चाहे सामाजिक न्याय चाहिए, भले उसको सुरक्षा चाहिए, उसको रोजगार भी चाहिए, उसको आर्थिक संपन्नता भी चाहिए, लेकिन सबके साथ उसको एक ऐसा भारत चाहिए जो भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन विरासत के आधार पर दुनिया का सिरमौर बने। और ये नरेंद्र मोदी ने ये एक्सपेक्टेशन, ये भाव लोगों के अंदर पैदा किया है। तो एक बहुत बड़ा कारण जो बीजेपी को वोट मिलता है, बीजेपी चाहे चुनाव जीतती है हारती है, कर्नाटक में भले बीजेपी चुनाव हार गई लेकिन उसका वोट परसेंटेज सेम रहा है, उसके पीछे एक बड़ी ताकत यही है क्योंकि देश काफी हद तक इस मायने में मनोवैज्ञानिक रूप से बदल चुका है। तो एक बड़ा कारण है जिसको प्रशांत किशोर भी समझते हैं। दुर्भाग्य से इस बदलाव को जो भाजपा विरोधी और आरएसएस विरोधी हैं, जो देश जो हिंदुत्व के ही सांप्रदायिक और बहुत बहुत मानते हैं कि बहुत छोटा विचार है पीछे ले जाना है, न वो 2014 में समझ सके कि नरेंद्र मोदी की विजय का क्या कारण है या गुजरात में क्यों विजित हो रहे हैं, न 2019 में समझ सके और न 2024 में समझ सके। अब जरा एक एक क्षेत्र पर आते हैं। देखिए उत्तर भारत में 245 सीटें कुल मिलाकर अगर राज्यों को देखेंगे तो उसमें कुल मिलाकर इतनी है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अपने गठबंधन के साथ कुल जोड़ लेंगे आपको तो 171-72 सीटें जीती थी कुल मिलाकर। तो अब आप उसमें अगर देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब को भी मान लीजिए, हालांकि वो हिंदी भाषी नहीं लेकिन उत्तर का ही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, क्या इन राज्यों में अब उसमें एक जो दावा आया है उत्तर प्रदेश का, पहले उसका उसको जरा कसौटी पर कस लेते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमको तो 79 सीटें आएंगी। अब सपा को सबसे अधिक 2004 में 35 सीटें मिली थी, 26% वोट उनका था, करीब 24% वोट मायावती जी का था, 22% बीजेपी के थे, बीजेपी 10% वोट पर सिमट गई थी। वो जो दौर था वो 1993 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के लिए बहुमत विहीनता का दौर था, फ्रेगमेंटेड मैंडेट का था, पार्टियों का वोट बढ़ता था, वो एक अलग परिस्थिति थी उस समय। 2007 में बसपा के बहुमत में आने के बाद से उत्तर प्रदेश पूरी तरह एक पार्टी को बहुमत दे रहा है और उस एक पार्टी को बहुमत में स्थिति यह है कि जब पिछली बार बसपा और सपा मिलकर लड़ी थी, दोनों ने मिलकर करीब 37% वोट पाए लेकिन सीट उनको 15 मिली थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसके बावजूद 49.6% वोट पाए थे जी। तो वो क्या ऐसा क्या हो गया है पिछले 5 वर्षों में जिससे लोग माने कि नहीं भाजपा को उलट के और राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमको सपा के हाथ दे देना चाहिए, जबकि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 2% वोट था और कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में हासिए की पार्टी है, यह एक उदाहरण यह समझने की। दूसरा आप देखिए वेस्ट बंगाल को इस समय लेने की आवश्यकता है। वेस्ट बंगाल में अगर आप विधानसभा चुनाव भी देखें, लोकसभा चुनाव देखें पिछला, तो दो ही पार्टी रह गई है, तृणमूल कांग्रेस है और दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रह गई है, तीसरी पार्टी नहीं है। अगर आप प्रशांत किशोर के वक्तव्य को भी देखें और वहां के वातावरण को देखें तो वहां कोई एक राज्य जिसमें कि हिंदुत्व इस समय प्रबल तरीके से सत्ता के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर रहा है तो वो पश्चिम बंगाल है और वहां भारतीय जनता पार्टी शायद पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नंबर एक पार्टी अभी बन सकती है जी। अवधेश जी, तो ये सारी परिस्थितियां हैं कांग्रेस का। एक बीच में सवाल है, जैसे नॉर्थ, हम लोग एक छोटे छोटे डिस्कशन भी करें, नॉर्थ में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी पीक पर है, सारे राज्यों में ज़्यादातर में नियर
100% सीटें वो जीत के बैठी हुई है, क्या जब तक वो पूरा रिपीट नहीं करती तब तक बात बनेगी नहीं? तो आपको लगता है कि नॉर्थ में जितने स्टेट अभी हैं उनके पास उसमें सेम रिपीट होगा जैसा 19 में था? अब देखिए, मैं तो नॉर्थ की सारी सीटें मैं यहां से निकाल के बताया था, वो थोड़ा सा मतलब 176 गलत हो गया, 184 सीटें बीजेपी को है। टोटल बीजेपी की जो सीटें हैं 184 है, 184 सीट है। मुझे जरा पहली बार बोलने में थोड़ी गलती हो गई थी, 176 मोटा आंकड़ा। देखिए इस समय, हाँ मोटा आंकड़ा, देखिए ऐसा है कि उत्तर के अगर राज्यों को हम लेते हैं, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में सफलता मिली है, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उसकी उसकी बुरी तरह पराजय हुई है। तो अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगर तीनों के विधानसभा चुनाव परिणामों को आप देख लीजिए, तो क्या उस समय की परिस्थिति में और आज में यह स्थिति है कि पार्टी बिल्कुल एक उलट जाएगी? अगर राजस्थान में जो सवाल है, 7-8 सीटों पर जिस संघर्ष हो रहा है, राजपूतों का एक 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 विद्रोह का भाव आया है, उसका थोड़ा वहां असर हुआ है, उसका असर है 7-8 सीटों पर, वहां एक संघर्ष है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस है ही नहीं। मध्य प्रदेश की आधी कांग्रेस भाजपा में समाहित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ताकत, उत्तर प्रदेश की हम लोगों ने चर्चा कर ली। बिहार पर अगर आते हैं तो यही गठबंधन पिछली बार भी भाजपा और जदयू के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसने 39 सीटें जीती थी। तो नीतीश कुमार के आने से थोड़ी सी उदासीनता बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुई है, 10 साल के शासन से थोड़ी बहुत निराशा भी होती है, कार्यकर्ता भाजपा के कई जगह उदासीन दिखे हैं। लेकिन एक बड़े कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कि सामाजिक न्याय को जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट चेंज किया है नरेंद्र मोदी ने, कि लोगों तक पहुंचा है, लाभार्थियों तक चीजें, लोगों के यहाँ अभी भी जो शौचालय पहुंचे हैं, घर पहुंचे हैं, लोगों के खातों में आयुष्मान कार्ड। दोबारा आपके पास पहले एक सवाल और छोटा जवाब चाहिए इसका। 303 को अगर हम बेस लाइन मान लें कि 303 19 में जीते थे, उससे ज्यादा सीटें आएंगी। मैं अकेले बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनडीए अलायंस में, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, वही सबसे बड़े हैं। इंडिया अलायंस में तो मैं अलग अलग या जोड़ गई पूछूं कि भाई किसके कितने हैं, लेकिन इसमें तो 303 ही मैजिक नंबर से बहुत ऊपर है। तो 303 को अगर मैं बेसलाइन लूं तो उससे ऊपर या उससे नीचे अनुमान क्या है आपका? देख